बहन ने ही बुझा दिया अपने घर का चिराग, पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि कक्षा 3 की छात्र हत्याकांड का शनिवार को पुलिस ने खुलासा किया है, जिसे सुनकर लोग हैरान पड़ गए। क्या मामूली विवाद में रिश्ते की बहन छोटे भाई को मौत के घाट उतार सकती है? छात्र के साथ ऐसा ही हुआ, जहां बड़ी बहन ने पुलिस पूछताछ के दौरान भाई की हत्या करने की बात कबूल की तो न सिर्फ व्यंजन बल्कि पुलिस भी संग रह गई। आरोप है कि खेत पर जाने को लेकर हुए विवाद के बाद बहन ने ही भाई की हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले, मामला जनपद अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है, जहां बुधवार को रहने वाले दिव्यांग किसान की 11 वर्षीय बेटे का शव घर के आंगन में रखे ईंट के ढेर की आड़ में पड़ा मिला। सिर्फ चेहरे पर चोट के निशान थे, गला भी घटा गया था। वो कक्षा 3 का छात्र था। सबसे पहले छात्र की नाबालिग बहन ने ही शोर मचाकर भाई की मौत की जानकारी दी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला घोंटकर मरने करने की पुष्टि हुई थी, लिहाजा पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि छात्रा की हत्या से पहले मंगलवार को उसके घर से सटे मकान में 4 साल के मासूम का भी शव मिला था। लगातार 2 दिन 2 शव मिलने से गांव में हड़कंप बचा हुआ था। दोनों की मौत का एक दूसरे से संबंध माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कब्र खुदवाकर 4 साल के मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराया था, इसमें उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सकता। ऐसे में पुलिस की नज़र छात्र की हत्या पर टिकी थी, लेकिन मासूम की मौत की रंजिश का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था, लिहाजा स्वयंजन से बार बार पूछताछ की जा रही थी। छात्र की बड़ी नाबालिग बहन पर भी शक की सुई टिकी थी। शनिवार को पुलिस ने बहन को थाने बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की, इस पर उसने भाई की हत्या करना कबूल कर दिया। आरोप है कि वह बुधवार को 11 बजे खेत से घर लौट आई थी, बाद में पिता ने कॉल कर वापस से खेत पर बुलाया था। भाई उसे घर यह बात बताने आया था कि पिता खेत पर बुला रहे हैं, इस पर उसने भाई से मना कर दिया और उसे ही खेत पर जाने को बोल दिया था। इसी बात को लेकर भाई बहन में विवाद हो गया था। गुस्से में आकर बहन ने पहले अपने भाई के सिर में डंडा मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर बहन ने प्लास्टिक की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी, सबको छुपा दिया, उसके बाद शोर मचा दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है और बहन को नाबालिग कस्टडी में ले लिया है। जी हाँ दीदी, इंसाफ चाहे, हम जो है हमारे बच्चे के साथ होया गया, आज हमारे इस लड़के के साथ होया, कल को हमारे 2 और है, उनको भी मार देंगे ऐसे तो हमें तो बिल्कुल इंसाफ चाहिए कि हमारे लड़के को किसने मारा, हमें ये पता चलनी चाहिए बस।